लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय दाऊ जी बाबा की जय जय। हेलो, आज हमारे मंच के समस्त कलाकारों द्वारा जो कि उत्तर भारत के कोने कोने में धूम मचाते हुए चले आ रहे हैं, हास्य सम्राट चौधरी धर्मपाल जी के निर्देशन में आज का मंचन देखने को मिल रहा है। और जो कि हमारे ब्रज के धनी दाऊ जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए और भगवान गिरिराज को मनाते हुए अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं सभी कलाकार, धन्यवाद। हेलो, वर्ण नमर्थ श्रृंगार रसनाम छंदे साम प्रेम जय हो मंगलानाम चकल तारो जय जय बंदे बाणी विनायके वसुदेव सुता चारुण मर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु को जल अशुधा जय हो रक्षा करी श्री कृष्ण ने नक पर गिर बर ले ओ गिरधारी
के चरणों में शीश नवाता। हिंदुस्तान हमारा जय हो, मेरे बापू का प्यारा तिरंगा लहराएगा अमर तिरंगा। इज्जत और ईमान से टकरा देंगे हम मतवाले हर आदमी लहराएगा अमर तिरंगा। इज्जत और ईमान से टकरा देंगे हम मतवाले हर आदमी। हमारी बंती बाजी देखे हाथ बिगाड़ेगा, हमारी
इसको कौन उजाड़ेगा, ओ भैया इसको इसको कौन उजाड़ेगा। जर्रा जर्रा मुस्काता है यहाँ निराली सांस से, टकराएंगे हम मतवाले हारा देते
रघुपति दंगल में लाज रखोगे। ये आपके सामने आ रहे हैं कन्हैया लाल सिसोदिया। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो।
तो देखो ये सर उनके कदमों में झुका कर तो देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो साबरे को दिल में बसा कर तो देखो साबरे को दिल में बसा कर तो देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो आकर तो देखो आकर तो देखो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब वन से लौट करके आए अवध तो सत्यों के कई देख करके सुस्त हो गई तो कहने लगे भगवान उस माँ के कई से कहे मैं माँ के कई जो आगे द्वापर आएगा उसमें मैं तेरी कुच्छा से अवतार लूंगा लेकिन एक छोटी सी शर्त होगी वो क्या है इस गाने के माध्यम से मैं आपको बतलाता हूँ मैया सुनो और मैं तू गाभू भार और दुष्ट मारने के लिए मालूंगा देख अब लगे क्या ओ मेरी माँ रो रो के आंसू ना बहा ओ मेरी माँ रो रो के आंसू ना बहा द्वापर युग में मैं तेरा चक्रधारी बनूंगा स्वतन चक्र हाथ में होगा और बिहारी नाम से पुकारा जाऊंगा और दूसरा नाम कि द्वापर युग में मैं तेरा चक्रधारी बनूंगा और वृंदावन में जाके मैं बांके बिहारी द्वापर युग में तेरा चक्रधारी बनूंगा वृंदावन में जाके मैं बांके बिहारी बनूंगा
त्रेता में जोड़ी मेरी सीता के साथ है और द्वापर में जोड़ी किसके साथ होगी बताने लगे भगवान। त्रेता में जोड़ी जैसे, त्रेता में जोड़ी जैसे सीता और राम की, द्वापर में जोड़ी होगी राधा और श्याम की, द्वापर में जोड़ी जो होगी राधा और श्याम की, राधा और श्याम की हो। अब वो राधा कहाँ की होगी? देता पता बरसा ने की राधा नारी बनूंगा, वृंदावन में जाके मैं बांके बिहारी बनूंगा। और कहने लगे इस त्रेता में भाई लक्ष्मण छोटे हैं और जो आगे द्वापर आएगा मैं उनको दर्जा ऊंचा दूंगा, ये बड़े होंगे। तो कहने लगे कि कैसे क्या कहने लगे साथियों? ब्रजू में मपूरण तेरे सब काम हो गैया बच्चा गिरुबर उठा, गैया बच्चा गिरुबर उठा, गिरुबर उठाने में गिरधारी बनूंगा, वृंदावन में जाके मैं बांक बिहार। ये आकाशवाणी है, अब सुनिए चौधरी धर्मपाल से हवा महल। हवा महल में मैं आज आपको सुना रहा हूं, यह है रामायणी भ्रम। रामायणी भ्रम कैसे? कई एक गडरिया को भ्रम हो गया कि मेरे घर में बीमारी जो बढ़ रही है ये सब रामायण बढ़ा रही है, जबकि रामायण से बीमारी ठीक हो जाती है, मगर उसे तो ये भ्रम हो गया क्योंकि लिखा है रामायण सुरतर की छाया और दुख में दूर निकल जो आया। 24 घंटे का अखंड पाठ हो जाए रामायण का मकान में तो सब बीमारी दूर हो जाती है, मगर उसे तो ये भ्रम हो गया मेरे घर में बीमारी जो बढ़ रही है ये सब बीमारी रामायण की है। अब सुन लीजिए, ये है रामायणी भ्रम। गंगा दीन गडरिया जिसने पाल रखी 10 बेर 12 बकरिया, प्रभु की माया के आगे हमारी चले न तुम्हारी, और फैल गई पशुर में बीमारी, दोरा दोरा गो गडरिया पंडित जी पे। पंडित जी महाराज, हाँ भैया मेरी तो है गई रेड़, क्यों मर गई 2 बकरिया 4 भेड़। पंडित जी ये रामायणी, तत्काल बोले गुरु भैया रामायण को पाठ कर दे शुरू, सब संकट कट जाएंगे, फोटेगा नक्षत्र,
सब आप ही हट जाएंगे, सब रुपया दक्षिणा को दे के गडरिया को अपने घर, दो दिला की और रामायण को पाठ, और भेड़ सब मर गई, बकरिया रह गई आठ, अब घरवारी घुर्राई, हाय मेरे पहले बने करी तुम थे, या रामायण ने रावण सरी के तो मार दिए, भेड़ बकरिया की कहा चलाई, पर तुम्हारी समझ में तो एक सीख न आई। गडरिया फिर पंडित जी पे गए, दयालु रक्षा करो हमारी, क्या हो गया रावण ते तोर चोर पकड़ गई बीमारी। अरे ना लाए शासन पर शंका ना करो, करे चालू रख रामायण, सब ठीक कर देंगे नारायण। फिर गडरिया अपने घर आ गो, चार दिन में रामायण संपूर्ण कर डारी, और हार की बात भेड़ और बकरिया सबे गई भगवान को प्यारी। रे गो एक छोटो सा बच्चा भेड़ को मैं मिला, मैं दूसरे दिन गडरिया भूखो प्यासो मक्का की रोटी है मिल रहे हो मठा में, बच्चा ने डाल दियो मोह। गडरिया चिल्लायो चो अरे तेरी भी मौत आ गई है का, लाउड कार के रामायण तू तो एक चौपाई को ला सारे पट मर जाएगो। ये हुआ रामायण भ्रम अच्छा मुकाबला करोगे तारे नाम तारे नार कमाल है जो मैं गले से निकाल रहा हूं वही बात अच्छा निकाल बेटे। अच्छा ये भी सुर निकाल दिया, आपके निकाल आपके मालूम पड़ेगी। ये नहीं है अच्छा आओ जी बबलू साहब धादा धादा क्रांत धादा धादा क्रांत धादा धादा क्रांत 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 धा क्रांत क्रांत धा क्रांत क्रांत धा ढगर दादा धिदिता धिदिता टिटकत गजगर धा ढगर दादा धिदिता धिदिता टिटकत गजगर धा टिटकत गजगर धा टिटकत गजगर धा। वो बात ना जा तो समझ रहे हो वो बात ना, ये है चुचक्रम 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 ढिंग 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 ढिंग। क्या बात है बेटे बेटे बेटान का तुरंत करना धाती दाखरा। अब सुनिए लोकगीत, अब मेरी औरत वो नहीं बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है ए? अरे अता में पंखा दे लगवा
हैप्पी शुभ मर्जी सुन लो कान लगाए चोट के बह जाए पसीना समाप्त हुआ दिस आजंडियो दिनूद दिनूद रेड बाई डीपी सिंह चौधरी। अब सुनिए चित्त पर संगीत गाने के लिए आ रही है आशा भैंसले। अब आपके सामने बड़ी धूमधाम से बड़े नखरे से अब मैं अंदर जा रहा हूं।
के मिलते हसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।
पेटी में हो रही गुड़ गुड़ जब मैंने पिया जी को बतायो, मर पेटी में हो रही गुड़ गुड़ जब मैंने पिया जी को बतायो, मर बलमा बड़ो सयानो ठंडो को
के दिल दिया है, एहसान क्या किया है, दिल के दिल दिया है, एहसान क्या किया है, दिल के दिल दिया है।
जान कसम मैं मोटा मैं के ना ले हूं मोटा तेरी जान कसम तू रोड़ी वाले और क्या लेगा रे पचास रुपए का पुरस्कार डॉक्टर वकील साहब देते हैं कुमारी कृष्णा जी के लिए और 100 रुपए का पुरस्कार वो पहले दे चुके हैं डॉक्टर वकील साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पुरस्कार ठाकुर भवानी सिंह जी चांदनी जी के लिए देते हैं धन्यवाद, और डॉक्टर बकील साहब 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं धन्यवाद। भवानी सिंह जी कुमारी चांदनी जी के लिए 101 रुपए का पुरस्कार स्पेशल रूप से देते हैं धन्यवाद। जिस घड़ी जाता है यार। क्या बताऊं दोस्तों, पर क्या करूं यार, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ऐसी घरवाली मिली है दोस्तों, जब भी घर जाता हूं काटने को दौड़ती है, हर समय फरमाश करती रहती है, कभी कहती है चप्पल लाओ, कभी कहती है बूट लाओ, कभी कहती है सूट लाओ, कभी कहती है ड्रेस लाओ, कभी कहती है पाउडर लाओ, कभी कहती है लिपस्टिक लाओ, हर समय फरमाइश करती रहती है। आज इसकी हर फरमाइश पूरी कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अरे जरा खुद नहीं खोल। अरे कौन है मेरा भाई? देख
मेरी आवाज पहचान, आवाज पहचान, गेट के भिल्लूकुरा में घर देख, क्या मुझे भाई बना रही है? अरे मैं हूँ तेरी छोटी नंदन का भाई और तेरे बाप का हूँ जमाई, और मेरी आवाज पहचान ले लुगाई। अरे कौन कहता है कि मैं कुंडी लगा के रखती हूँ? मैं कभी कुंडी उंडी नहीं लगाती हूँ, मैं तो हर वक्त कुंडी खोले रखती हूँ। यही तो। और एक बात बताओ, मैं तो खाली बिच्छी लगा लेती हूँ। बिच्छी? देखिए इसने दरा किया गेट की बिच्छी। जब भी मैं बाहर जाता हूँ कह के जाता हूँ अंदर से गेट लगा के रख, अंदर से तो पनाग लगा भीतर ले सरगे ना ठोक ले। अब याने दे रखी है गेट की बिच्छी, ऐसे ऐसे ढोने मेला में पौआ पी के घर में बबर गए तो फिर मारेगी किच्ची। छतरी से थाम देंगे तेरी ले माम। हाँ खुद भी क्या करूँ मैं, प्यार से तो मुझे बुलाना पड़ेगा क्योंकि काम है इसे। अगर अगर इनको नहीं बुलाऊंगी प्यार से तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे क्योंकि हम तो कुछ काम करते नहीं। हेलो आमिर लाल हो जाए। मेरी माँ मुझे तो अपने अरे आंचल में छिपा दे, हाय अरे गले से लगा दे और गोदी में बिठा दे, अरे तेरे बिन मेरा या कोई नहीं। अरे भैया मेरे ऐसा झापट मारूंगा छत्ती तरह का छींकने लगेगी। क्यों? ये गाना सावन के महीना में होता है। ये गाना अभी होगा इसी टाइम? नहीं होगा, इसी टाइम होगा। ये सावन के महीना में होता है। अरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को मार लाना, भैया मेरे। हेलो, ऐसा ही गाना गाऊंगा। गा विजेंद्र कुमार बहनवाल, ये 51 रुपए का पुरस्कार दोनों कलाकारों के लिए देते हैं, धन्यवाद। ऐसा ही गाना गाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाय मेरी प्यारी बहनिया, अरे जे बनेगी दुल्हनिया, अरे सज के आएगा पागल बाबा दूल्हा राजा, और तेरा कोठे में तेरा कमरे में तेरा कोठे में बजाएगा बाजा, तेरा कमरे में बजाएगा बाजा, चाहे कमरे में बजाए चाहे भुर्जी में बजाए। हाँ। मैं कह रही हूँ, मैं अभी कह रही हूँ। क्या कह रही हूँ? कुंडी में लगाती नहीं, कुंडी खुली हुई है मेरी। कुंडी खुली हुई है? आजा तो आ रहा हूँ। आजा कैसे नाराज है ये, क्या परेशानी है, क्या टेंशन है, क्या कर जानवर चला दो। असली गधे का बच्चा हूँ, छत में फेंक दूंगा ऊपर। बड़ा बुद्धू आदमी है। समझे बुद्धू मैं नहीं हूँ। कौन है? मेरा छोटा भाई है। देख लो पागल की। पागल मेरा बड़ा भाई है। अरे बाचूतिया। चूतिया मेरे पिताजी है। मतलब पूरा खानदान ही है? हाँ यस यस। बस बस वाह भाई वाह, देख लो। हाँ। इसकी सकल पहचान ही यही बुद्धू है जो मुझे शादी करके ले के अबे, आज बुद्धू बना रही है। मेरे बाग फूट गए इसके साथ साथ। हेलो, आवाज आ रही है क्या? क्या भाग फूट गए तुझसे शादी करके? बे तेरे बाप ने 36 बार नाकर गिरी मेरे पामन में। क्या मुझसे कही लाला हमारी लली के साथ कर लो? क्या शादी? अरे जा। ऐसी शादी हुई दोस्तों, आस पास के गाँव में हल्ला मच गया। जब मैं गधा पर बैठ कर गया आया। मैं फिर कहाँ थी? है? मैं कहाँ थी? अरे मैं गधा पर बैठ के गया तेरी शादी में, तुझे ब्याहने के लिए। हाँ। गधे पे? अरे सायो डबल वादना घोड़ी घोड़ा कोई ना मिलो। तू छत पर खड़ी मेरी तरफ इशारा कर रही मिनकी रुक जा भभक रही है छोड़ोगो ना। ऐसी शादी हुई आशिकबाजी चली, वह मैं गोला फूटो ऊपर या के बाप के छप्पर पे पड़ गयो।
वहां में आग लग गई, वहां में तो दूसरो जरगो तीसरो जरगो सबरे गांव में आग लग गई। सब कह रहे भाई दूल्हे बहुत जोर को आयो गांव में आग लगा दे। जान नाश गए। हाँ। भगवान से अब दुआ मांगूंगी कि जब कोई मेरा ब्याह हो तेरे संग ना हो। अरे सब पक्के बन गए। पहले अब सुन ले एक बात मेरी। क्या? देख मेलो लग रहा है। कहाँ? अब तू मेले में जा, एक से एक बढ़िया बिक रही है। क्या बिक रही है? बिक रही है। अच्छा बिक रही है। हाँ। क्या बिक रही है? अरे तू सब जान है काय को मो चूतिया बना रहा है। क्या बिक रही है बता जल्दी बता। लाद है तू? आप मेरे को लाऊंगा। लाओगे? हाँ लाओगे। अरे मैं ना लाऊंगा तो सामने वाला ला देगा। कौन ला दे? सामने बैठे भाई साहब बहुत बहुत तैयार है लाने के लिए। चोली लइयो फैशनदार ओ राजा। आ जा मुए खा जा ओ मेरे बालम। तेरा बजाऊ बैंड बाजा। अरे मेरे फंटू। हाय चोली लइयो फैशनदार राजा ले जा रे नप्पा। राजा ले जा रे का पुरस्कार कुमारी चांदनी जी के लिए स्पेशल रूप से और हास्य कलाकार चौधरी करमपाल सिंह हंगामा के लिए स्पेशल रूप से ठाकुर भवानी सिंह जी देते हैं दोनों कलाकारों के लिए 100 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। जहां कहीं भी तुमको कोई हसी नजर आया तुम्हारी दिल ने समझ रहे। जहाँ कहीं भी तुमको कोई हंसी नजर आया बोल दू चोली है सुंदर लइयो बब हीरे तुम जड़वइयो। चोली है सुंदर लइयो बब हीरे तुम जड़वइयो। ओए ओए रड़ुआ हो रड़ुआ I love you.
देखो कभी नमकीन मांगे है कभी गुलगुली मांगे शहर आगरा जइयो बढ़िया सो पेठो लइयो सुन हो मेरी टक टक जाहे लार असली बात बता दे तुम मथुरा शहर तू जइयो मथुरा में का है मथुरा में बहुत कुछ है अच्छा मथुरा में मथुरा की बात है जो यहाँ खड़े हैं और हमें ना देख रहे हैं अच्छा हाँ। यानी ये हमें देख रहे हैं ये हमें देख रहे हैं ये मेरो देख रहे हैं और तेरो देख रहे हैं का एक डांस अच्छा और तमाशा तुम मथुरा शहर को जइयो बता दू तुम मथुरा शहर को जइयो धर्मपाल की मंडली जइयो तब मथुरा को जइयो धर्मपाल की मंडली जइयो कह दे एक बात बताओ कह दे हमारी पार्टी कहाँ कहाँ कैसे कैसे आवे एक हमारी पार्टी शादी में आवे शादी में धर्मपाल जी की हाँ शादी में आवे जसोटन में आवे अच्छा मेला में आवे और लगन सगाई में आवे और जन्मदिन में आवे और कोई मर जाए तो कार में आवे अब बूढ़ा बड़ा कोई रुक जाए तो कार में तू मथुरा शहर को जइयो धर्मपाल की मंडली लइयो काली नाचती है धुआंधार चले जा रे नपान काली नाचती है धुआंधार चले जा रे नपान अरे ले जा रे कहिए महाराज महाराज के जीवन की जय हो अब यहां से प्रोग्राम शुरू है भक्त पूरन मन मंत्री बार जी हमारी जो लड़की है जी फुलंदे जी वो शादी योग्य हो चुकी है यानी बर योग्य हो चुकी है अच्छा बर के योग हो गई जी हाँ तो बर को पेड़ चाहिए क्या पेड़ बर का पेड़ या बर को पौधा चाहिए अरे बर के पेड़ की बात नहीं कह रहा हूँ और क्या कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ लड़के की बात अच्छा। फूलंदे के लिए लड़का चाहिए लड़की के लिए लड़का चाहिए जी हाँ तो कितनी उम्र का होना चाहिए करीबन 20 साल का 20 साल का अगर एक ना मिले तो 10-10 साल के दो ले आऊं खामोश आगो होश 10 साल के और 20 साल के नहीं अगर एक ना मिले तो 10-10 साल के दो ले आओ 20 साल हो जाएंगे मैंने एक उपाय सोचा है जी कि एक स्वयंवर रचा जाए और उस स्वयंवर में हमारी एक शर्त होगी कि 150 गज ऊंची मछली टंगवाई जाए नीचे तेल का कढ़ा जो कोई भी राजा उस तेल के कढ़ा में देकर को मीन को मारेगा हमारी लड़की फूलंदे उसी की नार में बरमाला डाल देगी ये ठीक है या स्वयंवर जी हाँ तो राजा महाराजा में ये सभी राजा अगर आ गए और मान लीजिए मीन किसी बुढ़े ने मार दी तो अब कोई भी मारे इससे कोई मतलब नहीं है यानी ये तो
आपको परीक्षा करनी है। जी हाँ, ये हमारी प्रतियोगिता है। प्रतिज्ञा है आपकी? हाँ। और स्वयंवर में आकर के लड़की जयमाला डाल देगी। सभी राजाओं के पास पत्र पहुंचा दो। ठीक है। और आपको शालकोट जरूर जाना है। शालकोट? ये पत्र पकड़ो। पंजाब में? जी हाँ। नहीं महाराज, मैं नहीं जाऊंगा शालकोट। क्यों नहीं जाओगे? पंजाब तो बहुत दूर है, और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी बहू का अकेला ही आदमी हूँ। सब अकेले हैं, दो किसी के नहीं है। ठीक है, आपको जाना होगा महाराज शंखपति के पास। महाराज शंखपति के पास में? जी हाँ। ये पत्र पहुँचाना है। जी हाँ। और ठीक है, ठीक है, जाइए। फोन की सुविधा मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है। हेलो जी, हाँ मैं कुसुमनगर से श्रीधर बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा महाराज, अच्छा अच्छा, नमस्कार जी। अच्छा जी, मतलब ये है कि लड़की का स्वयंवर है, फूल चक्र महाराज जो हैं उनकी लड़की का स्वयंवर है जी। तारीख? तारीख 82 है जी। नहीं नहीं 82 नहीं है जी, वो भूल गया था मैं। तारीख है 12 जी। हाँ ठीक, महाराज से कह देना, कोई बात नहीं, भोजन कर रहे तो वाच कर लो, वाच बोला वाच बोला वाच कर लो शेर वाच बोला। ठीक है जी, नमस्कार। अब मुझे महाराज संपत्ति के यहाँ चलना चाहिए, पंजाब नरेश। कोई है भाई डोड़ी बार घोड़ी बार? राम राम साहब। राम राम भाई, राम राम। कहिए। हम आए हैं कई दूर से। क्यों आए हो? महाराज से मिलने। अच्छा, उनसे जाके खबर कर दो, कोई सज्जन, हाँ कोई सज्जन, कोई कदरदान, कोई नौजवान, कोई श्रीमान अंदर आना चाहते हैं। कितने आदमी हो तुम? हम 6 आदमी हैं। कहाँ हो? मुझे तो आप एक दिखाई दे रहे हो। देखिए गिनो। गिनाइए। कोई सज्जन? एक। कोई कदरदान? दो। कोई नौजवान? 3। कोई श्रीमान? 4। कोई पहलवान? 5। छठ में हम खड़े हैं। हो गए छह? ठीक है, इधर आ जाइए। ठीक है, बोल दो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। हेलो, प्रसन्न रहो महाराज। बोलो। कोई साहेबान आपसे मिलना चाहते हैं? कोई साहेबान हमसे मिलना चाह रहे हैं? जी हाँ। उन्हें आदर के साथ अंदर बुलाया जाए। चलिए। क्या कह रहे हैं महाराज? आपको महाराज ने आदर सहित अंदर बुलाया है। यानी महाराज ने अदरक और शहद साथ ले चलूं? कोई बीमार है वो, उसका क्या होगा? अदरक शहद की दवाई बनाएंगे? कह नहीं रहे? आप ही तो कह रहे हैं कि अदरक और शहद साथ ले चलो। सम्मान सहित बुलाया है। सामान तो मेरे पास कुछ नहीं है, अकेला हूं मैं तो। आप हमारे साथ आइए। चलिए आइए। महाराज के जीवन की जय हो। प्रसन्न रहो। मैं आपके पास में एक पत्र लाया हूं महाराज। पत्थर लाए हो? पत्थर नहीं है जी, पत्र है, पत्र चिट्ठी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। बहन के जो लाए मार, ये कैसे है तो भैया? है लियो काम? हाँ, 1 महीने बाद ही ट्रोली भर के आवेगी यहाँ तो। क्या? सुना दूँ मैं आपको? क्या है सुनाओ। खांसी आ रही है, हमारा खांसी है। ऐसी सुनाई ऐसी ना सुनाई, पर चलो हम भेजे हैं तो। इसमें लिखा है जी। क्या लिखते हैं? जनामन कद्दू खा वालदा तोरई, साकिन करेला जिला कठहर का रहने वाला हूँ। वादा करता हूँ जो ककड़ी ने खीरे खां से कर्जा लिया है, उसमें आलू बैंगन, आलू बैंगन माफ करना है तो सब्जियों का परचा है। ये तो सब्जियों का परचा है महाराज, सब्जियों का जोड़ लगाया था। अच्छा 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 जी। हाँ, वो परचा आपको सुना दिया, आपका परचा अलहदा है। दूसरा परचा निकालो। हाँ ये है, ये है महाराज। वाह, इसमें लिखा है जी, श्रीमान जी फूल चक्र महाराज को
संगपति महाराज को फूलचक्र महाराज की नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आगे समाचार ये है, मेरी लड़की फूलंदे का स्वयंवर है जी, उसमें आपको आना है। तारीख है 72। बेहतर भैया जरा देखना क्या है बेहतर। चश्मा नहीं तुम्हारे पास? हाँ चश्मा है, साफ करो चश्मे को। चश्मा है जी, चश्मा। मैं जल्दी तो कह रहा था ये क्या गलती हुई है, इसमें शीशा तो है ही नहीं। शीशा नहीं रखता हूँ जी। क्यों? जब मोटरसाइकिल में चलता हूँ तो आंखों को हवा नहीं लगती है। पढ़िए। श्रीमान जी फूलचक्र महाराज की नमस्कार। आगे समाचार यह है, मेरी लड़की फूलंदे का स्वयंवर है और शर्त यह है कि 150 गज ऊपर मीन है, नीचे तेल का कढ़ा है। जो भी राजा अथवा राजकुमार उस परछाई को देख करके मीन मछली को मारेगा उसी के साथ में लड़की की शादी कर दी जाएगी। खत लिखता खताबार हूँ और बाल बच्चे मर गए जीने से लाचार हूँ। मेहरबान कदरदान आगे हथकड़ी पीछे चालान। इसका मतलब क्या हुआ? आगे हथकड़ी पीछे चालान। मेहरबानी करके हमारी बात की कदर करेंगे कदरदान। अच्छा, आगे हथकड़ी जी, जिस वक्त आप मछली को मार देंगे हाँ, आगे आगे आपका घोड़ा होगा वो तो है गई हथकड़ी। अच्छा, और पीछे चालान, पीछे पीछे लड़की का डोला होगा। वाह 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 वाह, ये बात, ये बात है जी, जी। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है जीजा है? जीजा है, जीजा जीजा। हाँ जी साले साहब। मैं वो नाम है मैं इसमें क्या ये करें? तुम्हारा नाम कैसे जीजा पड़ा है जी? जीजा कैसे पड़ा? कैसे पड़ा साले साहब? साफ साफ बताओ, तुम्हारे घर वाले भी तो जीजा कहते हैं। मेरी माँ पे हुए थे हाँ दो लड़का। अच्छा, अब वो दोनों मौत के मुंह में चले गए जी, अब तीसरे हम हुए। अच्छा, मेरी माँ मुझे नहला धुला करके आंचल से लगा रखा था और सर पे हाथ फिरा के कह रही थी बेटा, दोनों के दोनों बेटा मुंह में मौत के मुंह में चले गए, अब तुम कम से कम तीसरे हुए हो बेटा जी, कम से कम तू तो जीजा। ओहो जीजा, इसलिए जीजा है जी, यानी जीजा इसलिए पड़ा तुम्हारा नाम जीजा। जीजा हाँ जी हाँ। तो आज हम तुम्हारा नाम बदलते हैं। आज से नाम बदल रहे हो जी? हम वो क्यों बोलिए? तुम्हारा नाम श्रीधर रखते हैं। श्रीधर जी जी, ठीक है, ठीक है ना? श्रीधर, श्रीधर ठीक है, जो आप कह रहे हो वही ठीक है। मंत्रीवर जी महाराज, इन्हें मेहमान खाने में ले जाओ। हाँ, मेहमान खाए जाएंगे? नहीं, वहां आपकी खातिरदारी होगी। हम तुम्हारे इनके मेहमान है? हाँ है, मेहमान है इनके? नहीं, जो बाहर से अतिथिगण आते हैं उन्हें मेहमान कहते हैं। अच्छा, ऐसा करिए, हम जब मेहमान है आपके तो हमें 1 रुपया दो और विदा कर दो। महाराज जल्दी करना, ऐसा ना हो कहीं स्वयंवर ठंडा हो जाए। रहो महाराज, आज आपने कहां की तैयारी कर दी, कहां जा रहे हैं आप? आज
पहले तो ये देखो हम कैसे लग रहे हैं। आज तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं बहुत। अब बोलो क्या कहना चाहते हो। आज मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं बहुत ही आप। अच्छा हाँ बोलो। मगर कहाँ जा रहे हैं आप? बंधन सज धजी अदा से आज किया इरादा कहाँ काज कोई फरमाए तो। और ये
रचा स्वयंवर ये सुता करानी फूल छत्र
तेरी बात को अचरज हुआ विशेष छत्राली होकर हमें तू देती है उपदेश। क्या बुजदली बात करती हो, ये धर्म रजपूत छत्री और ये छत्री के को ब्याह करते धर्म रजपूत
सुना होगा। सुना है? तो बताते हैं हमारे वेद और शास्त्र, उनकी 16108 रानियां थी। और हम तो दूसरी शादी करने के जा रहे हैं, प्रवृत्ति में बुरा लग रहा है। अरे बुढ़ापा है, लग जा है तो तीर है, नहीं तुक्का तो है ही, जाना जरूर है। ये देख श्री कृष्ण को रानी, और ये मरी कितनी प्रिया प्यारी, ये देख श्री कृष्ण को रानी, ये मरी कितनी प्रिया प्यारी। जरूर है। हेलो, ठीक है ना? सुना? देखो महाराज, हमने क्या कहा? महाराज हाँ, देखो मैं आपके लिए समझा रही हूँ। अच्छा हाँ, हो मतवाले हरि गुण गाले, बोलो सिया राम राम, बोलो राधे श्याम, बोलो सिया राम राम, बोलो राधे श्याम। हो मतवाले हरि गुण गाले, कोई बैराटी है। हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या हो गई। अच्छा, समस्या है कोई? समस्या यह है, रानी कहने लगी है जी कि तुम्हारा वृद्ध शरीर है, तुम्हें स्वयंवर को नहीं जाना चाहिए। ये बात तो सही है महाराज। क्यों? आपकी उम्र कहाँ और लड़की की उम्र कहाँ, वो ठीक कह रही है। अरे वहां से स्पेशल निमंत्रण आया है, हाँ, तो जाना जरूर है। जाना तो है, हाँ? बैठ के देखना भी है। हाँ, और चल जाए तीर, हाँ? नहीं तुक्का तो है ही। रानी साहब, क्या बात है, क्यों मना कर रही हो? इन्हें समझाओ पहले। इनकी ये कह रही है उम्र क्या है। अच्छा देखिए महाराज, मैं समझाऊंगा आपको।
चिड़िया जोबन 30 बरस ब्याह करण की चाह करे तो 20-25 के भीतर कीजिए। अच्छा, और 30 बहे जब खीस भे, 40 बहे पर कोई ना रीजे, 50 भई मृत्युवास भई, 55 भय पे कोई ना पसीजे, 60 से ऊपर ब्याह करे वाके मोहरे तमाचे तमाचे। क्या बकवास करते हो? रानी का मन तुमने बहला दिया, लेकिन हमारे बारे में तो कुछ बताओ। तिरिया जोबन 30 बरस, हाँ हाँ तिरिया जोबन 30 बरस, और बेले जोबन 25, और मर्दे जोबन 60 बरस जो घर में हो शराब। ये बात अभी तो करंट बन रहो बाला, बन रहो मुँह तो मालूम पड़ गई, आखन के आगे अंधेरो है, आपको पीछे हाथ लगे है जी, और आखन के आगे अंधेरो है गए हो। अब तो समझ जाना चाहिए, रानी को समझ जाना चाहिए। पछतान होगा आपके लिए, कुछ भी हो श्रीधर, चलो चलते हैं। ठीक है महाराज। कहती है स्वयंवर तो जा रहे हो, मगर आपको पछताना होगा, ये कह रही है। आप चल तो रहे, कुछ भी होगा देखा जाएगा, आप जो कुछ होगा सो, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही है, वही बात है, चल जाए तीर और तुक्का तो है ही। महाराज के जीवन की जय हो। खुश रहो मंत्रीवर, क्या हुआ? महाराज संपत्ति पंजाब नरेश आ गए, आ चुके महाराज जी, प्रणाम, बैठ जाइए। बिराजी है महाराज, बिराजी महाराज, और भी राजा आ रहे हैं क्या? आने दो, देश देश के राजा आ रहे हैं महाराज, देखिए जगह जगह के सब राजा आ रहे हैं, सब अपना मुकद्दर अजमाएंगे। कहाँ के राजा हैं आप? हम बहुत दूर से आए हैं। दूर से आए हैं? हाँ हाँ, कौन सी जगह के राजकुमार हैं? हम आए हैं उधमपुर से। उधमपुर से? हुड़दंग प्रसाद। और नाम क्या है? हुड़दंग प्रसाद। हुड़दंग प्रसाद? हाँ, उधमपुर के हुड़दंग प्रसाद। हुड़दंग प्रसाद? हाँ। वाह जी वाह, कैसे आप, फिर क्यों तकलीफ करी आपने? हमारे पास निमंत्रण गया था। अच्छा अच्छा, हाँ मील मारने आए। हाँ तो विराजिए महाराज, विराज कहाँ विराजे? यहीं विराजिए, ये गद्दा लगे, गद्दा बिछे हुए हैं। अच्छा, बैठिए और क्या महाराज, बैठे वो सबसे बड़े। चाय मंगाइए पहले हमारे लिए, बैठिए। चाय तो देसी कुतिया के दूध की आ रही है, देसी कुतिया के दूध की चाय आ रही है। हाँ आइए आइए, आप कहाँ के राजा आए हैं? शंकरगढ़ के। शंकरगढ़ के? अच्छा, शंकर सिंह बघेले। बघेले जी? हाँ, आप यहाँ कैसे पधारे? आपका निमंत्रण गया था हमारे पास। आहा, यानी स्वयंवर देखने आए हो जी, और लग और मीन मारने आए हो जी, तो देखिए बैठिए, अभी राजा और आ रहे हैं, सब राजा आ जाएंगे जब आपका नंबर लिया जाएगा। राम राम। कैसे कैसा भैया, और नशेबाज? क्या बात है, है? क्या बात है, क्या बात है? सुनिए, आपका लव लेटर गया था हमारे पास। लव लेटर? हाँ, उस लव लेटर में लिखा था जी, आप आए हमारे मीन को मारे, वाह हमारी लोंडिया को ले जाए, मीन को मारे और लोंडिया को ले जाए। नहीं, तुम्हारा रूप तो राजा को। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताइए। ठेके में से आ रहे हो? ठेके में से? हाँ। क्या? ठेके के राजा हो? 24 घंटा ठेके में रहते हो? 24 घंटे? और क्या, क्या बात है, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, तुम्हारे बस की नहीं है मीन मारने। क्यों?
तुम्हारे हाथ पांव भी बेकार हो रहे हैं। अरे हाथ पांव तो तुम्हें मारेंगे मीन। कैसे मारोगे फिर? वाह, हाँ हम तो वैसे ही मार देते। बताओ। हाँ मरवाइए। कौन मरवाए? तुम। जैसे तुमने अब तक मरवाई हो तो मारो वैसे। हमने कभी नहीं मरवाई। ना मरवाई तो नहीं, हम तो आपके मारने आए। आप मरवाइए, बताइए कहाँ है तुम्हारी, कैसे मारे? इस हालत में। अरे क्या है? अरे इसी हालत में तो मजा आएगा। शाबाश शाबाश बेटे बेटे, चले जाओ सीधे बिना पीटे। क्यों? बिना पीटे चले जाओ। हम मीन मारेंगे। ए, मीन मार दी तुमने। मारेंगे, देख के मारेंगे। लोंडिया को लाओ पहले। निकल जाए यहाँ से चुपचाप। लोंडिया को लाओ, जब लोंडिया को देख करके जब मारेंगे। पत्री गली से निकल जा। मीन नहीं मरवाओगे? नहीं नहीं। क्या बात है? अभी अभी मीन अभी हम गाड़ी का पेट्रोल वैसे ही फूका खा मंगाए। आंसू गए छोड़ दूंगा। आइए शंकर सिंह महाराज, लगाइए निशाना। ये ऊपर मछली है, नीचे तेल का कढ़ा है। हम छोटे पड़ गए, मच्छी तक नहीं पहुंच पाए। चलो ना, भाग जाओ। आइए जी उधमपुर उधम सिंह। हाँ शाबाश, इधर आओ, सामने आओ। आइए, ये देखो ऊपर। हमको मत दिखाओ। मुझे क्या देखोगे? आप कहें मीन मारो। आप कहें तो बैठ के मारूं। शाबाश भाई, सुनो जी। अजी सुन लो ले। आप कहें तो बैठ के मारूं। अच्छा। और आप कहें तो खड़ा होके मारूं। भाई वाह। आप कहें तो लेट के मारूं और आप कहें तो बैठ के मारूं। भाई शाबाश। आप कहें तो अंधेरे में मारूं और आप कहें तो उजाले में मारूं। बताइए कैसे मरवाओगे? जैसे तुम्हारे बाप दादा ने मरवाई हो वैसे मारो। हट जाओ। बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। दस दस के राजाओ, हम कहें किसे बलशाली है, और हमने तो मन में सोच लिया पृथ्वी वीरों से खाली है। ये क्या कह दिया तुमने? पृथ्वी वीरों से खाली हो जाएगी तो क्या होगा? हर जा बुड्ढा बिगड़ गया। जाओ। ओ बुड्ढा बिगड़ गया। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे? क्या हुआ महाराज? महाराज तुम्हारे बस की मीन नहीं है। क्या? अरे तुम्हारी उम्र नहीं है। हार जाओ पीछे। खट अजमालो अपना मुग्ध। हमारे अलावा किसी पे मरेगी भी नहीं। अजमालो मुग्ध। हट जाओ, हटने दो। एक, दो, और ये। शाबाश शाबाश। मरिया नहीं महाराज, ये तो गजब हो गया। क्या गजब हो गया? अब गेम की रोटी है कौवा ले जाएगा। ये क्या सब बात करते हो? ए जी, ये ऐसी बात नहीं, अच्छी नहीं होती है। अच्छा अच्छी ना तो बढ़िया कौन सी है? बढ़िया ये है, उन्होंने मीन मारी है और हमारे इस स्वयंवर की शोभा बढ़ाई है। लड़की को बुलाओ। शोभा तो बढ़ाइए, महीना पीछे ट्रॉली भर के जाएगी। अच्छा हाँ, और इनको दहेज सुना दो। दहेज सुनाता हूँ, इनकी उम्र के हिसाब से दहेज सुना रहा हूँ। लीजिए महाराज, सुना दो। लड़का नहीं है, इनके आधा रात दिया जाता है। वाह। और
1000 गऊ, अच्छा जी, 1000 हाथी, 1000 घोड़े जी, और 1000 गधे। मैं गधों क्या होगा उस खच्चर गधे खच्चर, अच्छा अच्छा, सामान लद के जाएगा जी, और एक बांदी और एक बांदा, बांदी राजकुमारी की सेवा करेगी और बांदा तुम्हारी खखार समारे। क्या बकते हो अब थोड़ा, और मैं मेरे लिए मैं दे रहा हूँ कुछ। अपनी तरफ से क्या दे रहे हो? मैं दे रहा हूँ 100 मन गेहूँ, 50 मन गुड़, 2 बांस और 5 गज सफेद कपड़ा है, और 1 करसिया में पानी है, और थोड़ो सो आटो है जो को मड़ो मड़ायो, और 1 ट्रोली कंडा है। ये तुम दहेज दे रहे हो कि मेरे अर्थी का सामान दे रहे हो? ये महाराज आपकी सेना खाना वाना बनाने लगे लड़की। अच्छा लड़की आओ, जय माला डालो महाराज के गले में। जय हो बाबुल छूट चला तिरंगीना, बाबुल छूट चला तिरंगीना, लेके चली तनु सजा सजाया, लेके चली तनु सजा सजाया, छोड़ चली मन अपना बाबुल छूट चला तेरा गिरा, बाबुल छूट चला तेरा गिरा।
छूटी गई सब संग की सहेली जिन संग खेली जिन संग कूदी छूट चली गो पतो हुए कैसा लागला सोहरो है। अरे फूलंदे की विदा हो रही है तुझे कुछ मालूम है? फूलंदे विदा है रही है। हाँ हाँ लाली में तो तेरे फूफा नो कर मोने सीधे जा जब चली जाइयो का दे रही अच्छा दे जा बना के नो कर। अच्छा हाँ तो चल फूलंदे से मिल तो ले। हाँ बता कहाँ ला कहाँ छोरी। हाँ छोरिया छोरा है। अरे कहा लकड़िया सी पे हाथ भर गो छोरी हो लकड़िया में कहा पर हो फूलंदे से फूलंदे से मिल ले ये ना फूलंदे ये खरकार है ये बुढ़िया ये है फूल दे रही अरे मेरी बच्चिया अरे मेरी बुआ मैं कैसे करूंगी रे अरे मेरी बच्चिया सऊदा बाबा पार कर गोरी अरे मेरी बुआ मैं कछु ना जानती री अरे मेरी कन्या इन बातन के स्कूल ना हुए करे अरे मेरी बच्चिया लाली मेहमान का है मेहमान के बैठे ला बेईमान ते मिलाओ बेईमान ना मेहमान अरे बेईमान रे खूब दैयत दे दो फिर भी रिमड़े करे पीछे मेहमान राम राम जी आए छोरियो गबज है गए क्या हुआ ये तो मेहमान फट रहे हो बीच में थे अरे बुआ तू भी फट रही है मैं फट रही हूँ का अरे लाली ऊपर वाले ने सब पहले ही फार के भेजे कोई कम फट रहा कोई ज्यादा लाला हाँ अभी तक छोरी ने मेलन में से नीचे पाम ना धरो लेकर के बाहर बहुत बढ़िया बात है इन्हें ये पता ना है जमीन गर्म है या ठंडी है अच्छा ऐसे मत करियो कहीं जात के में अपने हुआ ले जाके छोरी के हाथ में हथ लेने या पकड़ा दे नहीं हमारे यहाँ बिजली की चाकी लग रही है बिजली की लग रही हाँ। है और मैं हाथ वाले नहीं है मैं तो ये कहूँ लाला हाँ थोड़ी देर में समझा दूंगी तुम्हें बोलो जैसे हमारी बहन बेटी तुम समझियो ऐसे त्यारी बहन पति से बोली कहिए महाराज श्रीधर ये आपका नगर आ गया
हमारा ये नगर आ चुका है जी हाँ। बांदी से कहो वो रानी से कहेंगी, क्योंकि बड़ी रानी अम्मा दे आरता लिए खड़ी है उसके आने के लिए स्वागत में सम्मान में। हाँ सम्मान बादी। देखो महाराज के नगर आ गए। आ गए देख रही हो ना चार तरफ। हाँ हाँ सजावट और क्या। अब राजकुमारी से कहो जो लावे से उतरे और महल में अंदर जाए। अच्छा। पूरन मल की माँ आरता लेके खड़ी है, इनका सम्मान करेंगी। अच्छा बबी कहती हूँ रानी साहब आप डोले से नीचे उतर के आइए, बड़ी रानी आरता लिए खड़ी है। बांदी महाराज की कोई और रानी भी है और क्या रानी है। महाराज से कहना छोटी रानी डोले से नीचे उतर नहीं आपको याद किया है। अच्छा बांदा बांदी रानी साहब डोले से नीचे नहीं उतर रही हैं। क्यों क्या बात हो गई। डोले में ही याद कर रही हैं। विकलांग है विकलांग नहीं और महाराज को वहीं बुला रही हैं। अच्छा इतनी गरमा रही हैं महाराज को वहीं बुला रही हैं। हाँ डोले में ही बुला रही हैं। महाराज राजकुमारी आपको डोला के पास बुला रही हैं, कुछ बात करना चाहती हैं। कुछ बात करना चाह रही हैं। जी हाँ चलो ठीक है मिल लेंगे आइए। महाराज के चरणों में दास करते हैं। प्रसन्न रहो क्या बात है किस लिए बुलाया। महाराज हम आपसे विनती गुजारिश करना चाहते हैं। क्या गुजारिश है। कदम ना इस घर में रखूं और कहो चाहे हर चल रहना पिया जी मुझको नहीं है पसंद। पता है क्या पता है। चलते फिरते सोते जगते हाँ। हर दम सोत सतावे और इससे महल सोत संग रहना पिया पल भर नहीं तो सुहागा। कह रही हो रानी फिर हम कहते हैं क्या चाहती हो। महल दूजे पत प्यारे होंगे मेरे गुजारे
अर्जी मेरी सुन लीजिए और पिया अलैदा महल कोई दासी को बतला दीजिए। रानी जी, बड़ी रानी जो अम्मा दे है वो बहुत सुशील है। अच्छा। बहुत सीधे स्वभाव की है। अच्छा। आप जो कह रही हैं वो बात नहीं है महाराज, लेकिन समस्या तो ये है कि महल दूजा बनवाएंगे जरूर, लेकिन कब तक बने, समय लगेगा ना महाराज। हाँ, हमें समय की चिंता नहीं है। क्यों? हमें उनके साथ रहना एक पल भी गवारा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम नहीं रहना चाहते महाराज। ठीक है, हम सोचते हैं, बैठ जाइए। श्रीधर कहिए महाराज। यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। फिर समस्या हो गई? हाँ। अच्छा, उससे भी बड़ी? हाँ। वो क्या है जी? छोटी रानी बड़ी रानी के साथ रहना नहीं चाहते। आहा, ये बात है। और कहती है कि दूसरा महल बनवाओगे तो मैं रुकती हूँ, नहीं तो अपने पीहर को चली जाऊंगी। अरे लगोरिया, अरे लंगोरिया, ओ सात बुरी है देखियो चूर, एरे धारे ढोले गो, ओ धारे ढोले गो, हथेरी पे चू बारे लंगोरिया, सात बुरी है। ये क्या करते हो? यही तो बात है सबरी, यही अलैदा करवा रही है। अब ऐसा है श्रीधर जी, यानी रानी तब रुकेगी यहाँ हमारे शहर में जी, जब आप कोई दूसरा महल बनाएंगे। महल तो इंतजाम करेंगे। महल तो कम से कम 5 साल लगेंगे। नहीं, 5 साल नहीं, जल्दी बनवाएंगे। जल्दी जल्दी? हाँ। तो फिर ऐसा है महाराज। हाँ। ये सामने किसके महल है? ये तो पूरनमल का जो मोती महल है। ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, राजकुमारी भी खुश हो जाएगी देख के। हाँ। पूरन मल को तो बगीचे में भेज दो, वो तो गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं। वो तो बगीचे में हर वक्त रहा करते हैं ना, कभी कभी आते हैं इसमें। वहाँ भजन करेंगे और यहाँ फिर वो आएंगे ही नहीं जब उनकी मौसी आ जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। अब इन मौलों में राजकुमारी को भेज दो, जब तक मैं महल बना तैयार कर दूंगा। अच्छा 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 जी हाँ। ये देख, ये सामने महाराज के महल। अच्छा, अब राजकुमारी से कहो महलों में जाएं। ठीक है, मैं भी कहती हूँ। और तू मेरा ध्यान रखना। ध्यान रखना? हाँ हाँ। ख्याल? कैसा ख्याल? अरे समझ ले, मैं तुम्हारा ख्याल रखने आई हूँ या रानी साहब का? बांदी और बांदा। अच्छा, बांदा और बांदी, रानी और राजा। अच्छा, ये हाँ, बात है। हाँ, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगी। ओ अरे सामर की सी घटा और छटा सी छूटने लगी रे, मके 20 बरस की नारी मरद ने होलू। अरे लेके
कुमारी से कहो ये महल बन गए और अंदर जाएं। ठीक है, मैं भी कहती हूँ। कह दो रानी साहब, महल बनके तैयार हो गए, अब तो दरियाओ डोली से नीचे चली चली बांधी। आपको पता है हमारी आज कौन सी रात है? कौन सी रात है? आज हमारी स्वाग रात है। अच्छा, हाँ। रुतु पिया मिलन की आई रे, जो बन पे जवानी छाई। रुतु पिया मिलन की आई रे, जो बन पे जवानी छाई। रुतु पिया मिलन की आई रे, जो बन पे जवानी छाई। मुझे खुशी है। हाँ, बड़ी खुशी है। मैं जा आपको नहीं है खुशी में जा रहे हैं आज। हाँ, आज हमारी कौन सी रात है जी? आज तुम्हारी पहली रात है, कत्ल की रात है। हाँ? कत्ल की रात है नहीं, जिसको सुहाग रात कहते हैं। हाँ हाँ, वही कत्ल की रात। लेकिन कोई नुस्खा ऐसा है? नुस्खा है एक महाराज। हाँ? एक है, एक कैप्सूल है मेरे पास। अच्छा जी। हाँ हाँ, स्वास्थ्य खराब चल रहा है। हाँ बिल्कुल, उसी को मैं लेता हूँ काम में। एक ही रह गया है। एक ही रह गया है? हाँ लो। अच्छा, अब ऐसा करना ना तो दूध से लिया जाएगा। अच्छा। और ना ये चाय से लिया जाएगा, और ना ये किसी रस से लिया जाएगा, ना पानी से लिया जाएगा। ऐसा करना, थूक लपेटना अंदर। तेरे चेहरे के मुकाबले गुलाब क्या होगा? तेरे चेहरे के मुकाबले गुलाब क्या होगा? जब घूंघट में तुम इतनी लाजवाब लगती हो, तो तुम्हारा जवाब क्या हो? इधर आओ। ये रुख से पर्दा हटा दीजिए, रुख से पर्दा हटा दीजिए। रुक से पर्दा हटा दीजिए।
ठीक है, हमारी शादी होगी, हम विवाह होके जाएंगे और हम हमारी भी कोई स्वागत होगी। एक हसरत थी दिल में मेरे, एक हसरत थी दिल में मेरे, कुछ काम नहीं किया महाराज, बिल्कुल नहीं। फिर सांस फूल गया, स्वास्थ्य खराब हो गया। चलो चलो, अब ऐसा है श्रीधर, चलो आराम करना। आराम तब करेंगे जी, क्योंकि आपसे हम कहना चाह रहे हैं क्या कि अब तो हम होली दिवाली ही आया करेंगे। अब भगवान ने चाहे तुम आओगे ही नहीं, हा? कोई और ही आएगा। चलो, अरे बांधी हमारा तो फूट गए। कैसे भाग फूट गए? अरे देख रही है महाराज को क्या हो गया? हाँ महाराज तो बूढ़े हैं। बूढ़े हैं कि सब थूक थूक कर ये सब पूरा महल खराब कर दिया, महल कर कर दिया। हाँ महाराज की हो गई और कुल ताकत देवा और सिर्फ हंसी के और कुछ बांधी भूल रही ना। क्या करूं बांधी? रानी साहब क्या मरे तुम्हारे दुश्मन? अच्छा तुम क्यों मरोगी? अब इतने पे भी नहीं मरने देगी तू? नहीं क्यों? तू देख रही है क्या हाल है उसका? बेशक हाल है ऐसा, मगर मरना नहीं है। वो करू कैसे निकटू मेरी करू कैसे
बांधी। क्या बात है रानी साहब? जैसे कोई सब्जी या कोई, जैसे आजकल चाउमीन बिक रही है ना, लेके धर दो उसकी मिट्टी खराब हो जाती है, ऐसे मेरी मिट्टी खराब होगी। क्यों? अरे यार आज स्वागरात थी, कुछ लाते कुछ खिलाते कुछ हंसी मजाक करते, तुम तो उसी की भी नहीं रही। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? क्या करना क्या चाहिए यार, मेरी तो स्वागरात की मिट्टी खराब हो गई। गोने की रात दुखदाई हो, गोने की रात दुखदाई हो, वो सैया ही मेरा डोले। गोने की रात दुखदाई हो, सैया ही मेरा डोले। दो बोल भी तो लेके नहीं आया। अच्छा अब ऐसा कर, क्या मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, चल ऊंची अटारी पे चल के हवा खाते हैं। तुम हवा खाना, मैं तुम्हें कड़क पत्ती की चाय बना के पिला। अरे मेरी बांदी, चल।